और नौकरी बहुत लोग मांगने आता है नौकरी, तो नौकरी में है कि भाई अब तो जब जहाँ जहाँ जितना वैकेंसी निकलेगा तो उस वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कीजिए, ईमानदारी से आप लोग के नौकरी मिलेगा। और महागठबंधन बेईमान पर भरोसा नहीं करता है, बेईमान लोग को ही अपने राज में रखना भी लोग नहीं चाहते हैं, तो ईमानदारी से नौकरी भी मिलेगा, ईमानदारी से रोजगार भी मिलेगा। मंत्री आरजेडी कोटे के मंत्री से दूरी बना रहे हैं, तो कल मुख्यमंत्री थे जनता दरबार में, तो हमको जनता दरबार से बाहर निकाल दिए थे, क्या आप देखे थे? मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जमीन विवाद के समस्या के लिए अंचलाधिकारी और थानेदार दो गो के कमेटी बना दिए हैं, और कमेटी गठन के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री से हम इस पर बात करेंगे कि इस पर और कुछ जिला में विस्तार से किया जाए, ताकि जिला में ही मामला को सलट दिया जाए, यहाँ तक पटना तक ना पहुँचे। ये जो ज़मीन का दाम बढ़ गया है और आबादी बढ़ गया है और बेरोजगारी बढ़ा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम 10 लाख के नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे, और उप मुख्यमंत्री जी इनका समर्थन किए हैं, तो इससे भी काफ़ी तनाव दूर हो जाएगा। पर अभी ज़्यादा ज़मीनी विवाद है और नौकरी बहुत लोग मांगने आता है नौकरी, तो नौकरी में है कि भाई अब तो जब जहाँ जहाँ जितना वैकेंसी निकलेगा तो उस वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कीजिए, ईमानदारी से आप लोग के नौकरी मिलेगा, और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर ईमानदारी से नहीं मिलेगा तो सरकार उसको बकसने वाला नहीं है, क्योंकि यह जो महागठबंधन का राज है और महागठबंधन बेईमान पर भरोसा नहीं करता है, बेईमान लोग को ही अपने राज में रखना भी लोग नहीं चाहते हैं, तो ईमानदारी से नौकरी भी मिलेगा, ईमानदारी से रोजगार भी मिलेगा। अभी कमीशन सिस्टम बंद हो गया है, घुसखोरी सिस्टम बंद हो गया है, तो जहां कमीशन और घुसखोरी बंद हो गया है तो ईमानदारी जरूर चलेगा, और सबको बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, और जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं नौकरी के फेरा में तो अपना अपना विभाग को अप्लाई करें, उनको नौकरी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है, जो सीईओ है, जो थानेदार है, वो के बारे में आपको जानकारी है भैया, कोई अंचलाधिकारी के बारे में जानकारी है तो हमको लिखित दीजिए, उस पर कार्रवाई हो। उड़िया का लगातार पानी है, समीक्षा बैठक हुआ और क्या बोला गया, सरकार का बैठक में आप शामिल नहीं हुए, धान खरीद की बैठक क्या बुलाया नहीं गया, या आप खुद? कल धान नहीं, कल चल रहा था जनता दरबार, और जनता दरबार में हम थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना कई कार्यक्रम रहता है, और पदाधिकारी से भी अपना समय समय पर राय मशवरा लेते रहते हैं और आदेश देते रहते हैं, तो जिसमें राय मशवरा देते रहते हैं और जो पदाधिकारी के बुला के अपना जानकारी लेना चाहते हैं, तो कोई जरूरी है कि हर समय मंत्री उसमें उपलब्ध रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं जरूरी है। कल तो जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी में थे, और उसमें भी जनता दरबार में जो मामला आया हम लोग ने सॉल्व कर दिया एक मिनट में, कोई गिलवा शिकायत है तो टीवी में दिखलाइए या हमको बतलाइए। कल की जानकारी मतलब नहीं दी आपको? ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री आरजेडी कोटे के मंत्री से दूरी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री आरजेडी कोटे के मंत्री से दूरी बना रहे हैं? कल मुख्यमंत्री थे जनता दरबार में, तो हमको जनता दरबार से बाहर निकाल दिए थे, क्या आप देखे थे? बोलिए, आप देखे थे? अरे डाउन, हर समय बैठक में नहीं जाया जाता है, हर समय मुख्यमंत्री का अपना विभागीय रहता है, और माननीय मुख्यमंत्री जो है सुबह बिहार के वो राजा हैं, कब क्या आदेश देंगे हमसे पूछ के देंगे थोड़ी, ऐसा आपको लगता है क्या?